Hey guys, in this video I am going to discuss the use of articles. What are articles and what is the use of articles in English sentences and what are the types of articles? So let us get right into the video. Article एक ऐसा word है जो कि noun के साथ combine होता है और हमें ये बताता है कि हमारा noun specific है या फिर non-specific है. Basically articles की two types होती हैं, definite article और indefinite article. द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को डिस्कस करेंगे. ए को हम कंसोनेंट साउंड से पहले डिस्कस करते हैं, ए ई आई ओ यू. इसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो कंसोनेंट वर्ड्स होते हैं और जो कंसोनेंट साउंड देते हैं हम उससे बिफोर ए को यूज़ करते हैं, लाइक अ डॉग, अ पायलट, अ यूनियन, अ टीचर, अ यूनिवर्सिटी. इसके बाद हम इनडेफिनेट आर्टिकल एन को कब यूज़ करते हैं. हम इनडेफिनेट आर्टिकल एन को बिफोर अ वोवल साउंड यूज़ करते हैं. वोवल वर्ड्स जो हैं वोवल लेटर्स ए ई आई ओ यू. कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो कि इससे स्टार्ट होते हैं और वोवल साउंड नहीं देते, तो उससे पहले हम एन यूज़ नहीं करते, लेकिन जो वोवल साउंड देते हैं उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं, लाइक एन इंजीनियर, एन एलिफेंट, एन एथलीट, एन ऑरेंज, एन इग्लू. इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को हम लोग समटाइम्स नंबर्स को रेफर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइक द बेबी इज़ प्लेइंग विद अ डॉल. बेबी एक ही डॉल के साथ खेल रहा है, डेट इज़ वन डॉल. तो वन डॉल एक नंबर है, तो इसके साथ हमने आर यूज़ किया. ही ड्रोव 120 किलोमीटर्स इन एन आर. और आर वैसे भी देखा जाए तो हमें वोवल साउंड दे रहा है, तो इसके साथ हम एन यूज़ कर रहे हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल को डिटर्मिनर्स के साथ भी यूज़ किया जाता है. डिटर्मिनर्स में फ्यू, लॉट, मोस्ट आते हैं. एग्जांपल, देयर इज़ अ लिटिल ड्रिंक इन द ग्लास. यहाँ पर लिटिल जो है वो एक डिटर्मिनर है और नीचे वाला सेंटेंस में फ्यू डिटर्मिनर्स है, तो इसलिए इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया जाता है. अब हम देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल को हम कैसे यूज़ करते हैं. With country names that include common nouns. वैसे country के साथ तो हम article use नहीं करते, लेकिन जब हम ये कहते हैं the country England, तो उसके साथ हम फिर the use करते हैं. With country names ending with plural s. ऐसे countries जिनका name s पर end होता है जो कि एक plural है, जैसे कि Philippines एक ऐसा country है जिसके end पर s आता है, तो हम लोग इसके साथ the Philippines use करते हैं. With names of groups of small islands. लाइक अगर हम फिलिपीन आइलैंड्स को देखें तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड है, तो उसके साथ हम दा यूज़ करते हैं. इसके अलावा फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, लाइक क्रीमिया जो कि यूक्रेन में था जिसके ऊपर रशिया ने हमला किया और वो रशिया के कब्जे में, तो हम यूज़ करते हैं दा क्रीमिया. विद रिवर नेम्स लाइक द रावी रिवर, सी नेम्स लाइक द रेड सी. और इसके अलावा हम दा को माउंटेन चेन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक द एंडस माउंटेन चेन्स. विद न्यूज़पेपर नेम्स लाइक द जंग न्यूज़पेपर, द डॉन न्यूज़पेपर, द वाशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स. विद फैमिली नेम्स सिम्पसन्स, द सिम्पसन्स. सिम्पसन एक फैमिली नेम है, इसके अलावा रॉयल फैमिली है, उसके साथ हम द रॉयल यूज़ करते हैं. इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उसके लिए यूज़ करते हैं. हम एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज़ करते हैं, लाइक द ब्राइटेस्ट बिल्डिंग. इसके अलावा ऐसा यूनिवर्सिटी नेम जिसके साथ यूनिवर्सिटी लगता है, लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर. इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, उसके साथ हम दा लगाएंगे. ऐसी यूनिवर्सिटी का नेम जो कि जिसके साथ यूनिवर्सिटी लगता है, हम उसके साथ दा यूज़ करते हैं. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम उसके साथ बाय यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन. लेकिन जब हम बाय यूज़ नहीं करते तो उसके साथ हम दा यूज़ करते हैं, ये नेक्स्ट हम डिटेल में देखेंगे. जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को मेंशन करते हैं तो इसके साथ हम ए और एन को यूज़ करते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उसे रिपीट करते हैं तो इसके साथ हम द यूज़ करते हैं, लाइक आई बॉट अ कार, द कार इज़ रेड. फर्स्ट सेंटेंस में देखा जाए तो यहाँ पर हमने ए को यूज़ किया है जो कि यहाँ पर कंसोनेंट साउंड दे रही है कार. इसके बाद सेकेंड टाइम जब कार का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर हमने द यूज़ किया है. जब कोई सब्जेक्ट यूनिक है, मीन जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही पाया जाता है, लाइक द सन, सूरज एक ही है,
इसके अलावा स्काई भी एक ही है, तो इसके साथ हम दा यूज़ करते हैं। अर्थ भी एक ही है, दा अर्थ। मून भी एक है, तो दा मून। इस तरह जैसे किसी भी कंपनी का CEO जो है वो भी एक होता है, इसलिए दा CEO। विद सुपरलेटिव्स, जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स है, लाइक हाईएस्ट बिल्डिंग, बेस्ट चैप्टर, इसके साथ हमने यूज़ किया है गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ दा यूज़ किया है। टाल, टालर, टालेस्ट, तो इसके साथ हमने दा यूज़ किया है। और इसके बाद के हम ऐसे कंट्रीज जिनके प्लूरल नेम्स होते हैं, किंगडम्स हैं या रिपब्लिक्स हैं, लाइक नैदरलैंड है, प्लूरल नेम है, एंड पर एस आ रहा है, इसके साथ हमने दा यूज़ किया है। फिलीपींस है, प्लूरल नेम है, एंड पर एस है, इसके साथ दा यूज़ किया है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, एंड पर एस है, प्लूरल नेम है, इसके साथ दा यूज़ किया है। इसके अलावा किंगडम के साथ हम यूज़ करते हैं, लाइक द यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा रिपब्लिक्स के साथ यूज़ करते हैं, द चेक रिपब्लिक। और इसके अलावा देखा जाए तो रिवर्स नेम के साथ, लाइक द मैग्डालेना रिवर, सीज़ के साथ यूज़ करते हैं, द रेड सी, ओशंस के साथ, द पैसिफिक ओशन, डेजर्ट्स के साथ, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट। और इसके अलावा हम लोग जब किसी कंट्री को डिस्क्राइब करते हैं, किसी लोकेशन को, कि वो चीज़ किस तरफ को है, लाइक दे लिव इन द नॉर्थ ऑफ द सिटी, तो ये बता रहा है कि वो सिटी के नॉर्थ में रहते हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन है, इसके साथ हमने यूज़ किया है। दे विल गो टू द वेस्ट ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पर बताया कि वो स्टेट के वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्शन यूज़ की गई है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो इसके साथ हम दा यूज़ करते हैं जब ये पॉइंट आउट किया जा रहा हो कि वो किस तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में बताया जाए।